तलखियां बहुत थीं, बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए। और अभी मैं रिसेंटली मैंने फारूक सत्तार साहब का भी बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी से पहले तो हम लोग, मुझे एमकेएम पाकिस्तान इकट्ठी होती दिखाई नहीं दे रही। अभी हमारे पास ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी का इंटीमेशन नहीं आया है। आर्टिकल 140A का इतलाक होना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए और बलदियाती इदारे बलदियात के पास होने चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मिल रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये कि तलखियां बहुत थीं, बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए गए। और अभी मैं रिसेंटली मैंने फारूक सत्तार साहब का भी बयान सुना है, उन्होंने कहा है कि 15 जनवरी से पहले तो हम लोग, मुझे एमकेएम पाकिस्तान इकट्ठी होती दिखाई नहीं दे रही। फिर आपको पता है उसके बाद इंतखाबात भी हैं, तो चल क्या रहा है, हर्डल्स क्या हैं, क्यों इकट्ठी नहीं हो पा रही, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इससे पहले कि आपके सवाल को एड्रेस करूं, मैं सिर्फ छोटी सी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा, ख़ासतौर पर जो अभी जो मेरी बहन ने जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है, और जिस तरह कहा कि भाई ये दो दर्जन, कई दर्जन FIRें किसी पर लॉन्च नहीं होती, तो हम जीती जागती मिसाल हैं एमकेएम दिहाइयों से, एमकेएम के लोग, एमकेएम के पार्लियामेंटेरियंस दर्जनों FIRें दहशतगर्दी की भुगतते आ रहे हैं। मावराए अदालत कत्ल के मामलात हों या मिसिंग पर्संस हों, आपका तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह का कोई मामला नहीं हो रहा, लेकिन हम इस हद तक नहीं गए, हमारी भी रिजर्वेशंस रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे मुल्क के सलामती के इदारे डिफेमेशन का शिकार हों, मुल्क बदनाम हो, क्योंकि देखें हमारा प्राइड तो है ना इदारे। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि उस वक्त जब आप मंजूर नवेदाश्यू थे और दूसरे विक्टिमाइज होते हुए नजर आ रहे थे, बिलफर्ज आपकी ये बात पे हाइपोथेटिकली यकीन कर भी लिया जाए, लेकिन बहरहाल कहीं पर भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये तो अजराए राय एक बात कही थी मैंने, जुल्म किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, मुसावात के साथ सलूक होना चाहिए। अच्छा, अब एमकेएम का सिलसिला यह है कि एमकेएम का आपको पता है कि कई एमकेएम के वतन से पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स हों, ग्रोह हों या जमातें हों, तो कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बहुत ही वाज़ेह तौर पर सबको खुली ऑफर दी थी कि एमकेएम में जो लोग जो एमकेएम का हिस्सा थे वो आना चाहें, या एमकेएम का हिस्सा नहीं भी थे और जो एमकेएम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आएं, और ये खुले दिल से हमारी ऑफर थी। और आपने देखा कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स शामिल होते रहे, और ये तो एमकेएम का ही हिस्सा रहे हैं जिनके हवाले से बातचीत की जा रही है। और अभी हमारे पास ऑफिशियली कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी का इंटीमेशन नहीं आया है, कोई बातचीत नहीं शुरू हुई है, और हम उम्मीद करते हैं, ये तो हमारी तरफ से ऑफर थी, है, वैलिड है ऑफर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम इकोनॉमिक हब को पाकिस्तान के मुश्तरका तौर पर जॉइंटली तमाम फरीकैन आपस में मिलकर बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, और उसमें वो इसी वक्त होगा जब इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, जब कॉमन एजेंडा जो हैगा। देखिए रेहान साहब, ये बात आप लोगों की तरफ से बारहा सोची गई, मेरा ख्याल है अब तो एक कराची का बच्चा जानता है कि बकौल आपके कि आप लोगों ने कई बार आगे बढ़े और आप पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को डिच किया, और कई बार ऐसे मुआहदे हुए, आपस की बातचीत हुई, साथ चलने का फैसला किया गया, फिर वही रोना रोया गया, इख्तियारात नहीं मिल रहे, फंड्स नहीं मिल रहे, वादे पूरे नहीं किए जा रहे, और अब भी हम वही देख रहे हैं। मैं चाह रही हूं कि आप लोग अब किस पॉइंट पर मतलब एतमाद करने को तैयार हैं? देखिए, एक चीज तो, एक पॉइंट तो ये हुआ कि जिसके ऊपर आपने बात की थी कि एमकेएम के लोग जो माजी में एमकेएम के थे या ग्रुप्स या एमकेएम के से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इकट्ठा हों ताकि वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो, शहर के मामलात से सूबे के मामलात बेहतर अंदाज में टेकअप किया जा सके, और पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी, उस पर काम मिलकर हो। जबकि आज एमकेएम का वो बयानिया जो एमकेएम दिहाइयों से कहती भी आ रही है कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, आर्टिकल 140A का इतलाक होना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए और बलदियाती इदारे बलदियात के पास होने चाहिए, तो ये आज यही बयानियां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के आप मुंह से सुनती हुई नजर आएंगी, और तमाम लोग यही बात कर रहे हैं। जब यही बात कर रहे हैं तो मिलकर काम क्यों ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।